तो चलिए जी, परेश गुप्ता जी का हमारे पास में उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका क्वेश्चन ये है कि क्या हम NVR IP सिस्टम हम बिना इंटरनेट के चला सकते हैं या नहीं। देखिए ये जो सवाल है ना, मेरे क्लास के अगर हम जहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, ठीक है। इवन जब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता हूँ तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या हम पूरा NVR IP सिस्टम बिना राउटर के लगा सकते हैं या बिना इंटरनेट के हम चला सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो मेरा हमेशा से आंसर वही रहता है हर एक लोगों के लिए कि यस आप चला सकते हो, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास में पहले से IP एड्रेसिंग का नॉलेज होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपको सबनेट के बारे में पता होना चाहिए, सबनेट क्या होता है। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि लैन नेटवर्क क्या होता है, वैन नेटवर्क क्या होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें जब आप हमारे ऑनलाइन कोर्स करते हो ना, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, और अगर आप ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कवर की जाती। तो चाहे आप ऑनलाइन सीखो चाहे ऑफलाइन सीखो, अगर स्किल मुंबई से सीख रहे हो तो ये सारे नॉलेजेस आपको दी जाएगी। चलिए, अब ये सवाल अगर हमारे सामने आया हुआ है तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स। ऑलराइट, तो जैसे कि हम यहां पर माइंड मैप, यहां पर वन नोट ओपन कर लेता हूं यहां पर। तो देखिए होता क्या है ना कि इसका जो आंसर है वो है यस हम चला सकते। जैसे आप पूरा का पूरा DVR सिस्टम आप चलाते हो ना, उसी तरीके से आप जो है कंप्लीट NVR सेटअप भी चला सकते हो। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपके पास में इंटरनेट है या नहीं है। लेकिन इस पूरे वीडियो को देखिए, मैं आपको और क्लैरिटी के साथ में समझाने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर कट मत करिएगा। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर समझना ये है कि जैसे मान के चलिए मेरे पास में यहाँ पर 4 IP कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। आजकल जितने भी IP कैमरे आ रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये सारे IP कैमरे आज POE बेस ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए एक POE स्विच लेंगे। देखिए बहुत ही बेसिक सा सेटअप यहाँ पर बना रहा हूँ। मान के चलिए यहाँ पर हमने एक POE स्विच ले लिया, तो ये POE स्विच आप 8 पोर्ट का ले लीजिए, या आपको उससे कम का मिलता होगा तो आप उससे कम का भी ले सकते हो। उसके बाद में इसी स्विच के अंदर आप देखोगे तो आपको अपलिंक का पोर्ट आपको मिलेगा, और ये सारे आपके क्या है, POE के पोर्ट है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके जितने भी वायर्स है ये सब फिजिकल कनेक्शन जैसे आप करते हो वैसे ही आपको करना है। हालांकि आपने ये क्वेश्चन किया है तो आई होप सो कि आपने NVR और IP सिस्टम के बारे में आप जानते रहोगे। ऑलराइट, तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, सभी को हमने POE स्विच के ऊपर लगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब ये जो अपलिंक का केबल है, यहां से अपलिंक का जो पोर्ट है यहां से आप कनेक्ट कर दो आपके NVR पर, यानी कि जो भी आपका NVR होगा, लेट से इट्स अ 4 चैनल NVR और 8 चैनल NVR और 16 चैनल NVR या उससे अधिक एक्सेट्रा, उससे अधिक कोई भी हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। जैसे 4 कैमरे लगाने तो मिनिमम 4 तो आपको चाहिए होंगे। ऑलराइट, तो इस NVR के अंदर अगर आप देखोगे तो एक इथरनेट पोर्ट होगा जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपके अपलिंक से जो वायर आएगा वो आपको इसमें कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखो, पहले तो समझना है आपको कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, ठीक है। ये जितने भी कैमरे हैं ना, ये सारे नेटवर्क कैमरे होते हैं। यहाँ पर NVR एंड IP सिस्टम जब आप चीज़ें सीख रहे हो तो इसमें याद रखो, जितने भी प्रोडक्ट आप लेते हो ये सारे प्रोडक्ट होते हैं आपके नेटवर्क बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। हर प्रोडक्ट के अंदर आपको इथरनेट देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे आप राउटर ले लो, चाहे आप स्विच खरीद लो, चाहे आप कैमरा ले लो, चाहे आप NVR ले लो, हर एक के अंदर आपको ये इथरनेट एज अ पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जितने भी POE पोर्ट देखते हो ये सब आपके इथरनेट है। ये अपलिंक आप देख रहे हो ये भी आपका इथरनेट है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है, आपका NVR का जो पोर्ट है, ठीक है, दिस इज योर NVR। NVR के ऊपर जो पोर्ट देखोगे ये भी इथरनेट है। तो ये सारे में जो इथरनेट दिख रहा है, यानी कि दिस ऑल आर योर नेटवर्क पोर्ट। तो देखो नेटवर्क क्या होता है, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जब हम दो या उससे अधिक डिवाइसेस, जो भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, लेट से कंप्यूटर या तो प्रिंटर हो सकता है, या तो फिर आपका मोबाइल हो सकता है, या तो फिर आपके कोई भी ऐसे डिवाइसेस जो IP एड्रेस कंसिस्ट करते हैं, जिसको हम होस्ट भी कह सकते हैं या नोड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, जब आपके दो या उससे अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है,
उस चीज को हम नेटवर्क कहते हैं। व्हेन टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इट्स फॉर्म्स अ नेटवर्क। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर ये सारे डिवाइसेस क्या है, जब आपस में कनेक्टेड हो गए हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे नेटवर्क। ठीक है, अब क्या हमने जो जो नेटवर्क यहां पर बनाया है, क्या ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली अभी तो फिलहाल ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक कि मैं इसके अंदर आईपी एड्रेस नहीं दूंगा। तो हमें क्या करना होता है, जब हम फिजिकल कनेक्शन करते हैं, इन कनेक्शन के बाद में ये सारे कैमरे प्लग एंड प्ले नहीं होते। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, हमें हर कैमरे को यहां पर आईपी एड्रेसिंग करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए। हालांकि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो एनवीआर एंड आईपी सिस्टम्स के ऊपर पूरे 2 घंटे का ट्यूटोरियल मैंने डाला है, अगर वो आपने नहीं देखा है मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, इवन और भी बहुत सारे जो आईपी के रिलेटेड लेक्चर्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर जरूर उसे देखिए। तो इन सारे डिवाइसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्राइवेट आईपी देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको सिलेक्ट करना है कि इन्हें हम आईपी किस क्लास में दे, क्या हम इसे ए क्लास में दे, हम इसे बी क्लास में दे, हम सी क्लास में दे। तो लेट्स से ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो सी क्लास की आईपी एड्रेस, नॉर्मली जब इतने छोटे स्केल पर प्रोजेक्ट होता है तो सी क्लास की आईपी एड्रेसेस लोग ज्यादा यूज करते, तो हम यहां पर एक आईपी एड्रेस दे देते। अब ये क्या कर रहे हैं, हम यहां पर हम एक प्राइवेट कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, एक लोकल कनेक्शन बना रहे हैं, इसको कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑलराइट, ये क्या है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। देख रहे हो, मैं यहां पर राउटर तक प्लेस मैंने नहीं किया है। ऑलराइट, तो यहां पर मैं एक आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.0. यहां पर हम दे देते हैं लेट्स से 2। ठीक है, उसके बाद में 192.168.0.3, उसके बाद में 192.168.0.4, 192.168.0.5। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, सभी को हमने आईपी एड्रेस दे दिया। उसके बाद में अब हम यहां पर एनवीआर को भी हम एक आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.0.100। मान के चलिए ये एक आईपी एड्रेस जो है वो हमने एनवीआर को दे दिया। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी को एक आईपी एड्रेस दे दिया। तो आपके नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस लगे होंगे सभी को आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या कहते हैं हम, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, NETWORK, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर जितने भी डिवाइसेस आपके लगे हैं सभी को एक आईपी एड्रेस देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो आता है, डेट इज हर डिवाइसेस को सबनेट मास्क देना जरूरी है, यानी कि उनमें सभी को डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने नेटवर्क बिट्स है और कितने होस्ट बिट्स है। उसके बाद में आपको डिफॉल्ट गेटवे असाइन करना कंपलसरी है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो, देखो ऑल्दो एनवीआर और आईपी सिस्टम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक वीडियो के अंदर इन सारी चीजों को सिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, इसके बारे में हमारा बहुत डिटेल ट्रेनिंग होता है। ठीक है, जिसके अंदर मैं डिटेल में बताता हूँ एक एक चीज के बारे में। शुरुआत हमेशा मैं वहां से करता हूँ, एकदम बेसिक से, कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, किसे नेटवर्किंग कहते हैं, इंटरनेट चलता कैसे है। ठीक है, ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ये इंटरनेट आप तक पहुंचाते कैसे, वैन कनेक्शन क्या होता है, लैन कनेक्शन क्या होते हैं, मैन कनेक्शन क्या होते हैं, वहां से पूरा लेकर जाकर आपको बताया जाता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, उसके बिट्स कैसे काम करते, कितने बिट के आईपी एड्रेसेस होते हैं, उनकी पूरी कैलकुलेशन, पूरा मैथमेटिक्स भी बताया जाता है कि वो आपके जो डेसिमल नंबर है वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। ये सब चीज का फाउंडेशन आपका मैं क्लियर करता हूं इस एनवीआर एंड आईपी सिस्टम। देखो, अगर आप इंस्टीट्यूट में आकर इन सारी चीजों को नहीं सीख सकते हो ना, तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हो। हमारा पूरा डिट्टो, जैसे हम ऑफलाइन में ट्रेनिंग देते हैं ना लोगों को, एज इट इज हम लोगों को ऑनलाइन में भी लोगों को सिखाते, वही सारे नॉलेज, वही सारे टॉपिक्स एकदम एग्जैक्टली आपको घर बैठे मिल सकता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हमारे इकोसिस्टम को, हमारे ऑनलाइन सिस्टम्स को। हमारे काउंसलर को कॉल करिए,
वो आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ाई करना है ऑनलाइन बेस पर। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन के बारे में भी हमारे अपकमिंग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हो। ये सारी चीज़ों के ऊपर जब आप डीपली सीखोगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि क्या हम ये सिस्टम को, ये एंटायर सिस्टम को विदाउट इंटरनेट चला सकते या नहीं चला सकते। ये सवाल आएगा ही नहीं आपके दिमाग में, क्योंकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये सारे डिवाइस को जब हमने आईपी दे दिया है, अब आप जो है ये सारे डिवाइसेस को लाइव कर सकते हो। आप अपने टीवी के ऊपर, आप इस एनवीआर के ऊपर अपना मॉनिटर कनेक्ट करके आप इसे रियल टाइम आप यूज़ कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो ईच एंड एवरीथिंग। जैसे आप डीवीआर में करते हो वैसे ही आप एग्जैक्टली इसमें भी चला सकते हो। आप चाहते हो इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं बनाऊं, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने इस एंटायर वीडियो को अंत तक देखा है, कमेंट करके बताइए इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो यहां पर सेटअप लगाकर आपको दिखाऊंगा कि यस, हम बिना इंटरनेट के भी एंटायर चीज़ें हम चला सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और हमारे वीकली Q&A सेशंस के अंदर। दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि कुछ आपका सवाल है जो मैं इस तरीके से वीडियो बनाकर उसे कंसीडर करूं, तो आपको नीचे फॉर्म का लिंक दिया गया है, आस्क मी एनीथिंग, कुछ भी आप पूछ सकते हो, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाना पसंद करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।